वाकई मैंने 10 दिन एंजॉय किया इस क्लास को और बहुत कुछ सीखा है, और जो गलतियां मैं पिछले 6 महीने 1 साल से कर रहा था वो कम से कम गलतियां मेरे सामने आई हैं कि मैं कहाँ गलत था, और वाकई ये 10 दिन जो है मेरी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत कीमती है। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे जब भी मैं प्रॉब्लम में रहूं तो मैं आपकी हेल्प लेता रहूं। थैंक यू। जब से मैंने आपको YouTube से फॉलो किया है सर, और बहुत दिन के बाद मैंने 2 महीने आपको YouTube में फॉलो करने के बाद आपका क्लास ज्वाइन किया, और लिटरली सर आपको बता रहा हूँ लास्ट महीने में मैंने शायद 12 बार या 13 बार ट्रेड किया है, उसमें से 1 बार लॉस में गया हूँ और 11 बार प्रॉफिट में। क्या बात इस बार इस महीने सर ऑलमोस्ट प्रॉफिट में चल रहा हूँ, यानी कि मैं देख रहा था बीच में गुरुवार शुक्रवार को थोड़ा ज्यादा नुकसान हो गया था, उसको बावजूद 1,75,000 के आसपास प्रॉफिट क्या है, 90,000 के आसपास नुकसान क्या है, ओवरऑल मंथली गेन पे हूँ सर। ये क्लास ज्वाइन करने का मेरा मोटिव था कि मैं डेली बेसिस पे कम से कम 10,000 तो एवरेज कमा लेता हूँ, 20-25,000 कमाने का मेरा मोटिव था, और लग रहा है कि 1 महीने प्रैक्टिस करने के बाद ये मैं कर लूंगा और करने के बाद आपको लेजर शेयर करूंगा सर। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को मिला वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ओके। पहले ट्रेड करते वक्त एक डर रहता है, जैसे रेड में देखते थे या क्या है, अब वो खत्म हो गया, जो चीज है ना विजन दिखाई देती है आगे क्या होने वाला। अच्छा, ये बड़ा पॉजिटिव चीज मैं लेके जा रहा हूँ। वैसे भी मैं जाट फैमिली से हूँ जी, तो हम तो वही है 1-2 ओवर खेले और खत्म। सुबह का जो आपका इंटरनेट है सबसे बेस्ट मेरे को वही लगता है। और 2007 में जब मैंने पहली बार ट्रेड किया तो 4 महीने में किया था, 50,000 का 2.5 लाख बनाया था, तब मेरी मिसेज ने गवर्नमेंट जॉब दे दी। ओके ओके। उसके बाद छोड़ दिया था, अब दोबारा शुरू किया है, आई एम फॉलोइंग यू ऑन द यूट्यूब। तो एक को मैंने पैसे भी दिए बल्कि सीखने के लिए, मेरे पास 5-6,000 तो, बट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, मैंने सुधार बोला नहीं कुछ, क्या तारीफ है क्या देना कुछ नहीं बोला, लेकिन जितना वो बता रहा था उससे ज्यादा मुझे पहले ही पता था। ओके। तो आपने जो प्रॉपर तरीके से जो किया ना, एक गुमता अंगूठा छाप कर लो या इवन एजुकेटेड पर्सन किसी भी तरह का बंदा बड़े आराम से और इजिली इसमें ट्रेड कर पाता है। आज मैंने आपके यहाँ उसमें रिलायंस में आपका वो यूज किया था, वो शेयर वाला के साथ किया और निकले, इट वॉज वेरी नाइस, थैंक यू सर। मैं कुछ सीखा ना सीखा मैं चिंदी प्रॉफिट लेना छोड़ दिया हूँ सर मैंने। ओके वेरी नाइस। और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो हिसाब से बढ़ा है, मैंने चिंदी प्रॉफिट लेना छोड़ दिया है। हाँ छोटे मोटे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, बट चिंदी प्रॉफिट तो लेना छोड़ दिया है सर। चिंदी प्रॉफिट ईस्ट ऑफ वेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ट है सर मेरे हिसाब से। हम्म। और मैं आपको नहीं सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं आज से नहीं
चार पांच साल से मार्केट में, मेरे फादर एक सब ब्रोकर थे, स्टिल मेरे को उतना अभी तक सीखने को नहीं मिला है क्योंकि मेरे फादर की डेथ जल्दी हो गई थी तो उससे उतना मैं सीख नहीं सका, बट एज अ सब ब्रोकर मैं काम कर रहा था, बट सीखना कुछ नहीं मिला है। ये जो 10 दिन में सीखने को मिला है इट्स अनबिलीवेबल सर, मैं आपको बता नहीं सकता कि आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स नाउ टू ग्रो माय पोर्टफोलियो एंड माय क्लाइंट पोर्टफोलियो। थोड़ा टाइम कम रहता है तो इसलिए मैं ज्यादा एनालाइज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपकी ये दो स्ट्रेटेजी मेरे को सबसे जबरदस्त लगी, एक तो प्रेग्नेंट लेडी वाली और एक ये त्रिशूल वाली। त्रिशूल बस मेरे पास इतना ही टाइम रहता है, इतना टाइम में मैं रिसर्च करता हूँ, स्टॉक निकालता हूँ 10-15 और उसमें अप्लाई कर देता हूँ। आपके जो मेंटर से उनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला और भी मेरे जो क्लाइंट्स है वो अगर सीखना चाहे आपके थ्रू से तो उनको भी अपन जोड़ सकते हैं ना उनमें। बहुत ही जबरदस्त तरीका है आपका सिखाने का, बहुत ही मस्त मजा आ गया। थैंक यू। हाय सर, दिस इज मुरलीधर। एंड जी मुरलीधर सर, मेरे लिए द बेस्ट पार्ट वाज द ऑपरेटर साइकोलॉजी। आई हैव टेकन सम अदर कोर्सेस बिफोर दिस क्लास एज वेल, बट द वे यू टॉट अबाउट द ऑपरेटर साइकोलॉजी दैट इज माइंड ब्लोइंग एंड नाउ आई हैव गॉट लॉट ऑफ इंटरेस्ट। मैं अभी बुक्स भी पढ़ने लगा हूँ एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। I also sent you one message in WhatsApp. One day, you know, I was just trying to understand the operator psychology in Bajaj Finance. Oh, wow. To work it out. Okay. Very nice. And the way you explained all the concepts, even the simple candlestick patterns and all. In previous classes also I have learned, but to look into the simple things in a very detailed way, this is mind-blowing. This is my amazing. Sir, I mean, and your sir. Research for the strategies, बहुत ही अच्छी. See, this is my fourth training, and I will give you 10 out of 10. बहुत अच्छा, मैं मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने कोई क्लास नहीं किया है। मैं सोच ही रही थी कि मुझे कुछ तो अलग सीखना है, और मैंने जैसे आपको फर्स्ट डे बताया था कि मुझे सीखना है, मतलब बहुत परफेक्ट तरीके से सीखना है। आपके क्लास में तो मुझे इतना मजा आया, इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें सीख पाई हूँ, बहुत ही अच्छा मजा आया। क्या बात, दादाजी दादी जी त्रिशूल सब कुछ इतना परफेक्ट है कि याद रखने के लिए भी बहुत आसान रहेगा सब चीजें, और 100% मैं आपको 6 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा प्रॉफिट करके दिखाऊंगी। यस 100% सर, हम आपके वर्कशॉप भी अटेंड करेंगे। Your brokerage strategy was a kind of a mind-blowing, sir. Seriously, I'm saying. So mm-hmm. I think I'm just planning to resign my job also, maybe in the next year, maybe. If I just properly follow your brokerage strategy, I can able to resign from my job as well. Even I don't care about that. I can build my own algo with myself, and I can able to sit relax, and I can go for somewhere else for the golden tour. I can able to plan with your brokerage strategy, sir. PC sir, like engineer, sir. So, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो आपकी एक वीडियो से ही हुई थी। अच्छा। एक साल पहले मैंने आपका वीडियो देखा था, ब्रॉड रेंज करके एक आपने निकाला था पहला वीडियो। उसके बाद नैरो रेंज पे आए थे अपन, और उसके बाद से मैं यू कांट बिलीव कि मैंने सबको ऑटोमेट किया था सर। एक्सेल बना के बैठा था रात भर, मैं उसको मैं फॉलो करता था सारी चीजें, और आज भी आप अपना चैट खोलेंगे तो मैंने एक चीजों को आप देखेंगे तो मैं डेली डेली आपकी वीडियो में सीखना पसंद करता, और यू आर माय फर्स्ट मेंटर इफेक्ट। YouTube पे मैंने बहुतों को फॉलो किया, बहुतों से सीखा, ठीक है, लेकिन आज ईस्ट एंड वेस्ट जो आपने सिखाया वो अमेजिंग है, उसका कोई तोड़ नहीं है सर। उसके बाद क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी एक अलग लेवल पे है, ठीक है, बस यही कि अब खुद को मेहनत करना है और बस करना है सर। सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने जो इतना सब कुछ सिखाया है फर्स्ट डे से अब तक, इतने सिंपल शब्दों में दादा दादी भूत आत्मा क्रोकोडाइल प्रेग्नेंट लेडी, सर ये सब हम पहले भी थोड़ा बहुत आप यूट्यूब वीडियो देखते रहे हैं, कोई बुक्स पढ़ते रहे हैं, लेकिन इतना क्लैरिटी में कभी
समझ ही नहीं आया जितना आपकी हर एक क्लास से क्लैरिटी सब आती गई, इतने सिंपल शब्दों में किसी ने नहीं समझाया। मैंने पहले भी दो ट्रेनिंग ली हुई है महाराष्ट्र में, जिसका शायद आपने कभी रेफरेंस नाम तो नहीं लिया था, बड़ी महंगे वाले लोग हैं, एक कुछ कम पैसे वाले लोग भी हैं, लेकिन आपने जितने सिंपल शब्दों में जितनी क्लैरिटी से समझाया, एकदम दिमाग का ढक्कन खुल गया और चार्ट्स को देखने का, सेटअप्स को देखने का नया नजरिया समझ में आया। थैंक यू। और अब ऐसा कॉन्फिडेंस आया है कि अब हम ट्रेड कर सकते हैं। और स्पेशली एक और चीज के लिए आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपको देख के, आप जैसे 12-12 बजे तक खुद जागते रहते हैं, आपको देख के हमारे अंदर भी एनर्जी आती है, और आप जो यूट्यूब पे लाइव आते हैं तो उससे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस लो होता है, कई बार डर लग रहा होता है, लेकिन आप बोलते हैं उस टाइम हम भी उन चार्ट पे जाते हैं, आपके साथ साथ हम भी देख रहे होते हैं, ट्रेड करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि कोई हमारा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है हमें जी। तो आप जो काम कर रहे हैं सर, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा है, और आपको बहुत लोगों की दुआएं लगेंगी, हमारी तो लगी रही है, आप बहुत अच्छा करें जिंदगी में, और आपके साथ हम भी अच्छा करते रहें, जुड़े रहें, यही हमारी दुआ है। मेरे को याद है 10 दिन पहले जब हमारा चालू हुआ था तो आप लोगों ने सब, आपने पूछा था कि क्या क्या आप सीखना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैंने तब कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ यहाँ पे एग्जिट कब करना है एग्जैक्टली। मिला तो ये 10 दिन बाद मेरे को समझ में आया कि एग्जिट से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एंट्री कब होना है, एंट्री कब होना है। और आपके सब स्ट्रेटेजीज में मेरे को ये समझ में आया कि सबसे ज्यादा जुदा जो आपको करती है ना, वो करती है कि जब सब लोग सोचते हैं कि एंट्री कब करना है, हम लोग मतलब आपकी स्ट्रेटेजीज तब प्रॉफिट लेके हम लोग एग्जिट कर चुके होते हैं, कर चुके होते हैं। Right. So that is the best part of your all this course. Thank you, everything. Thank you. Sir, real money बनाने का मतलब ये तो जो आप live आ रहे हो उसमें तो दिखता ही है real money ही बन रही है। यहाँ पे तो आप actual में हम लोगों को hand hold कर रहे हो कि यार मतलब tips के सहारे मत जियो, खुद अपने पैरों पे खड़े हो और अपनी जिंदगी खुद सुधारो। सर मैंने पहले कभी ट्रेडिंग तो नहीं किया सर, लेकिन मैं कुछ देर से 1-2 महीने से वॉच कर रहा था मार्केट को, तो फिर मैंने यूट्यूब पे आपको देखा, आपकी वीडियो देखी सर, आपको फॉलो करना शुरू किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो फिर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया सर। जो आपने पहले 2-3 दिन सर जो साइकोलॉजी का बताया सर, वो बेस है सर, बेस मतलब सच में आपने दिमाग ऐसा खोल दिया सर कि कभी सोचा नहीं था कि मार्केट में कैसे चलता और कैसे नहीं चलता। तो उसके लिए सर मैं सबसे पहले तो साइकोलॉजी के लिए आपका बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि पहले तो हम मार्केट का नाम सुनकर डर जाते थे कि यहाँ पे तो यार सब लोग जाते हैं तो बस पैसा गवा के आ जाते हैं, लॉस ही लॉस रहता है, तो मतलब अब हमने लॉस को अपना दोस्त बना लिया सर। वेरी नाइस। अब हमने ये सीख लिया कि लॉस के लिए हमने काम करना है, प्रॉफिट तो अपने आप जख मार गया है। सर आपने सिखाया जो 10 दिन में आपने सिखाया सर, आपकी तो इतनी सारी सर नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 13 साल से ज्यादा का, हम सर अगर 1% भी आपके जितने बन गए, आप समझ लो सर अगर हम कतरा भी बन गए तो समझ लेंगे सर कि हम सफल हो गए सर। सर मैं तो 1.5 साल हो गया सर, मेरे को सर ट्रेडिंग तो नहीं करता हूँ सर, इन्वेस्टिंग करता हूँ सर। मतलब सर स्टॉक को देख के फंडामेंटली छोड़ी उसके ऊपर, मतलब कुछ स्टडी करके, मतलब उसका मतलब आपका जो तरीका रहता है ना सर, बटन पे ही खरीदना है, वैसे ही सर 1-2 स्टॉक ऐसे ही लेके रखता हूँ, और सर मतलब मीडियम व्यू ऐसे ही शॉर्ट टर्म व्यू, जैसे कि मेरे 5% या 10% का कोई प्रॉफिट आता है तो मैं बुक करके वो रख देता हूँ। फैंटास्टिक। सर क्या बताए सर, जी सर, और सर क्या बताए सर, जो इंट्राडे के लिए या कोई भी ट्रेडिंग के लिए मैं अगर सोचता हूँ सर, उसी दिन ही मेरे साथ धोखा होता है सर। एंड फ्रैंकली मेरा एक ही फीडबैक था कि क्योंकि उस टाइम पे आप कहीं और जगह में थे जहाँ पर यू कुड नॉट टेक द क्लास योरसेल्फ पर्सनली, तो आपके कोई दोस्त ने लिया था क्लास को, मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। ओके जिस तरह से आप पढ़ाते हो मजा नहीं आया, दैट वाज माय फीडबैक, मैं फीडबैक दिया था उस टाइम पर।
एनीवे तो आई एम ग्लैड आई टुक द स्टैंड दिस क्लास. तो एक चीज है बिफोर द होल थिंग क्लास शुरू होने के पहले मैं वन थिंग वी ऑलवेज नो इन इंडियन मार्केट की हमेशा रिटेलर्स का बुद्ध बना जाता है. ओके हमेशा ऑपरेटर्स खा लेते हैं लेकिन रिटेलर्स बुद्ध बन जाता है. तो आई रियली अप्रिशिएट पीपल लाइक यू हु एटलीस्ट हेल्प दीज रिटेलर्स टू एटलीस्ट मेक सम मनी इन स्पाइट ऑफ द ऑपरेटर्स. ओके डोंट बी अ गुड जॉब अप्रिशिएट व्हाट यू डूइंग एंड आई होप दैट नो योर वर्क helps us, all our retailers, to at least, you know, make some decent money in the stock market. Thanks a lot. I think the view of looking at the charts, first of all, I mean, mera jo pehle ka chart dekhne ka andaaz hi kuch tha, kuch alag sa tha, abhi itna simple kar diya hai.